मैं क्रिमिनल का सर सफाई में आया हूँ भाई सर। आने में ला गया 1.5 लाख, लगभग 2 लाख तो ला गया मेरे को। बहुत इधर उधर भटका सफाई कर रहा हूँ। अच्छा। आ गया है तो मजबूरी है, पैसा है ना। काफी करके आप कितना बचा लेते हैं? अब टाइम काम कर लेते हैं, कुछ फायदा हो जाता है इधर उधर की नहीं होता? इस क्लीनर के काम में आते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और क्या काम करना पड़ेगा? पिताजी बीमार है, माँ भी बीमार है। अच्छा। उसको भी सबको देखभाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लेबर के काम में क्या सैलरी होती है, क्या काम होता है, कितनी ड्यूटी होती है, आप लोग को जानने को मिलेगा। जो लेबर के काम में आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो दोस्तों चलो मैं उनसे मिलाता हूँ जो लेबर के काम में आए हैं, और उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कितनी सैलरी रहती है और कितना टाइम ड्यूटी रहता है, क्या काम करना पड़ता है, तो सारी जानकारी इनसे पूछ लेते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नागेंद्र पंडित है, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ जी। आप यहाँ सऊदी में नए आए हो कि पुराने हो? मैं नया हूँ, मैं उतना भाषा भी नहीं जानता हूँ भाई साहब। किस काम में आए हो आप? मैं क्रिमिनल का सर सफाई में आया हूँ भाई साहब। साफ सफाई के काम में आए हो? हाँ सर सफाई। तो आपका नेपाली पैसे में कितना पैसा आपका लगा है? नेपाली तो आने में ला गया 1.5 लाख, मतलब नगद कैच लिया, लगभग 2 लाख तो ला गया मेरे को। लगभग 2 लाख रुपया लग गया? हाँ 2 लाख खर्चा लग गया, यानी काफ़ी पैसा लग गया। काफ़ी पैसा लगता है। वो बोला, वो इधर आकर आने का टाइम वो बोला कि मेन पावर और दूसरा साथी बोला कि फ्री वीसा फ्री टिकट है भाई, लेकिन अर्जेंट बहुत पैसा मेरे से ले लिया। तो यहाँ आने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? अभी तो 1.5 महीना बहुत इधर उधर भटका, दमा में 1.5 महीना बैठा, 15 रोज इधर इस बिला में उस बिला में, ऐसे ऐसे करते करते मैं फिर घर कंप्लेन किया, ऐसे किया तो फिर सेट इधर आके कर रहा हूँ, मैं सर सफाई कर रहा हूँ। 8 घंटा को ड्यूटी है। अच्छा, अब चलो तो अब 8 घंटा नहीं लगता, 2-3 घंटा लग जाता है काम करते हुए। यही बात है। तो क्या क्या काम करना पड़ता है? वो सर सफाई करना पड़ता है, ऑफिस 4 दिन पर ऑफिस साफ करना पड़ता है। अच्छा। और पैसे जाए खाड़ी यही सब साफ सफाई करना है वही। तो आप ये बताइए कि आपकी कितना सैलरी है? मेरा सैलरी 800 है भाई साहब। 800 रियाल इनकी सैलरी है। आप लोग भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये साफ सफाई के काम में आए हैं, नेपाल के रहने वाले हैं ये, और लगभग 1.5-2 लाख रुपया लगा करके ये यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर आए हैं। तो अभी आपको यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? अब क्या करें, अब तो जो आ गया है तो मजबूरी है, पैसा है ना, ऋण है। पिताजी बीमार है, माँ बीमार है। अच्छा। तो ऋण के मार से तो यहाँ रहना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ेगा। हर कोई इंसान सऊदी अरबिया के अंदर या सऊदी दुबई कहीं भी गल्फ के अंदर कमाने जाता है, तो हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है या कुछ सोच के आता है इंसान कि हम जाएंगे तो हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। तो इनके घर में भी कुछ, हर इंसान को कोई ना कोई भी तकलीफ़ होता है, तभी इंसान परदेश में आता है कमाने के लिए। तो आप ये बताएँगे कि काम आपका एकदम सही चल रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है? भाई साहब अभी क्या टेंशन, आप काम हावला है, अब सैलरी 800 है, तब क्या करें आप? तो टाइम पर तो मेरा तो अच्छा, ये बताइए आप, जैसे आपका सैलरी 800 रियाल है तो आप खा पी करके आप कितना बचा लेते हैं? अब खा पी कर अब क्या है, अब 800 सैलरी है तो में तो 200-250 कम शॉर्टकट करता है तो 200-250-300 तो लगभग चलिए जाएगा खर्चा में। नहीं तो ये तो भाई जरूरी है कि 300 रियाल तो कम से कम इंसान का खर्चा हो जाएगा। कितना भी पेट काट के इंसान बचाएगा तो भी 300 रियाल खर्चा हो जाएगा। हाँ भाई साहब, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जैसे कि आप ओवर टाइम काम कर लेते हैं, कुछ फ़ायदा हो जाता है इधर उधर की नहीं होता है? अब भाई साहब कोई गारंटी नहीं है, किसी को सामान ऊपर रख देता है तो कोई 2-4-5 रुपये कभी कभी देता है, कभी हर रोज़ नहीं होता है, ऐसे बात है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। अच्छा, सो बात है। यानी अगर किसी का सामान वामान रख दिए तो आपको थोड़ा बहुत 10-5 मिल जाता है। ये बताइए कि जैसे आप बाहर भी काम करने जाते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि नहीं? नहीं, बाहर तो अभी कुछ काम कहीं भी नहीं है, बाहर नहीं काम मिलता, नहीं मैं बाहर भी जाता ना, भाषा भी कुछ नहीं जान मालूम है, किधर जाएगा है ना। बराबर, ये तो सबसे पहली बात तो ये नए आए हैं, इनको भाषा का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि भाई कहीं भी जाएंगे तो इनको भाषा का दिक्कत होगा, क्योंकि उनको आता नहीं है अरबी बोलना। अभी ये नए हैं एकदम, और ये नेपाल के रहने वाले हैं भाई,
से आपको सारी डिटेल मालूम पड़ा कि अगर आप यानी क्लीनर के काम में आते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और क्या काम करना पड़ेगा। 8 घंटे की ड्यूटी है ना? हाँ, ड्यूटी तो 8 घंटा का है भाई साहब, लेकिन 8 घंटा सुबह से लेके कितने बजे से कितने बजे तक? अब वो आप तो यहाँ तो अपना मर्जी का बात है, वो 8 बजे होना था ड्यूटी, 8 बजे से चालू होता है, लेकिन मैं कभी 6:30 बजे से लग जाता हूँ, 6 बजे से 7 बजे से लग जाता हूँ, अपना हिसाब से मतलब करता है काम, है ना। अच्छा, काम ख़त्म हो जाता है बस खलास अपना रूम में रहता है। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीडियो में आए, तहे दिल से शुक्रिया आपका, दिल से। तो आप ये बताइए, जैसे कि अगर कोई आना चाहता है सऊदी के अंदर क्लीनर के काम में, तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अब देखो भाई साहब, अब देखो क्लीनर के काम में तो 8 घंटा आता है, यहाँ ओटी नहीं देता है, 8 घंटा में क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा होता, ओटी ओटी पार्ट टाइम चल लेता है, 12 घंटा चलेगा तो कुछ पैसा बनेगा, ऐसे में तो हम लोग को मैं तो बोलेगा नहीं आने के लिए। अच्छा। ऐसे कि इतना में आएगा तो पैसा नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 300-400 खाई जाएगा, शॉर्टकट में खाएगा 300 खा जाएगा, 500 में क्या बचाएगा, क्या करेगा, ऋण सधाएगा कि घर अपने मतलब घर परिवार को चलाएगा, वो बात सही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इतना 800 में नहीं आना चाहिए, और 800 में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब ये बताइए कि आप ये क्या सोच के आए हैं, कितना दिन तक यहाँ रहेंगे सऊदी के अंदर? अब देखो मैं तो बोला कि कुछ पार्ट टाइम चले, वोटी चलेगा, पैसा चलेगा तो 2-4 बरस रहेंगे, है ना। अब दो लड़का को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पिताजी बीमार है, माँ भी बीमार है, उसको भी सबको देखभाल करूँगा, इसलिए मैं आया कि अब देखो अब कैसे, अभी पैसा वैसा तो अभी थोड़ा कम है, जानकारी भी इतना भी नहीं है, जानकारी होगा तो देखो पैसा कुछ होगा तो 2-4 साल टिकेगा, नहीं होगा तो दो उसको जो कंटेंट है 2-3 साल का वो बिताएगा, चला जाएगा। बराबर। तो सऊदी के अंदर ज़्यादा टाइम तक बिताना सही है, या जैसे कि कुछ दिन यहाँ काम करने के बाद में इंसान को अपने वतन चले जाना चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? अब देखियो, अब तो ऐसी है कि पैसा कमाने आया है, पैसा कमाएगा तो ज़्यादा रहने में अच्छा है, नहीं पैसा बनेगा तो उसको कंटेंट जो गवर्नमेंट का कंटेंट वो कंटेंट ख़त्म कर कर अपना चला जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।